गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, और आज हम जो हमारे कल वाले रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करने वाले हैं। आइए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच इज नॉट सीक्रेटेड बाय ट्यूबुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन इनटू फिल्ट्रेट, इनमें से कौन सा जो हमारे ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जो नेफ्रॉन के, वो फिल्ट्रेट में सीक्रेट नहीं करते हैं? तो इसका आंसर होता है हमारा सोडियम आयंस, बिकॉज उसमें एच पॉजिटिव सीक्रेट होता है, पोटासियम भी होता है और अमोनिया भी होता है, ओनली सोडियम इज रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, या देखो एंजियोस्पर्म का नहीं कहा है, जिम्नोस्पर्म का पूछा गया है। होमोलोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, तो इसका आंसर हमारा बनता है जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो हमारा जो मेल पार्ट होता है एंजियोस्पर्म में स्टेमेन, और जो मेगास्पोरोफिल होता है वो कार्पल के होमोलोगस होता है, और होमोलोगस वो ऑर्गन होते हैं जो कि सेम इन स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखो जो मैक्सिमम जो वाटर में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स जिन्हें हम कहते हैं प्लांट्स होते हैं, उनमें वाटर एक्सेस होता है प्लांट के आसपास, इसलिए जो रूट कई बार क्या होता है इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, रूट वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर रही होती, जो अदर पार्ट्स हैं वो वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्लांट्स दिए गए हैं जैसे पिस्टिया, ये पहला ही इसका राइट आंसर बनता है, क्योंकि जो अदर प्लांट्स हैं जैसे पी, वीट और सनफ्लावर, ये तीनों ग्राउंड पर रहने वाले प्लांट्स हैं और ये पिस्टिया ये एक हाइड्रोफाइट है, तो इसका आंसर ये पिस्टिया ही करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने इन चार स्टेटमेंट्स में बताना है। पहली स्टेटमेंट है लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। लैक एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स पोजेस वेसल्स, सो इसमें हमारा आंसर बनता है लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती, जो हमारा जाइलम होता है जाइलम में वेसल्स नहीं होती, और जो एल्ब्यूमिनस सेल्स कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल में होती है, सो इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राउंड टिशू ऑफ लीफ, लीफ के टिशू के बारे में पूछा गया है, जो ग्राउंड टिशू होता है लीफ का, वो इन दोनों में से स्टेटमेंट में बताना है। देखो इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेसोफिल्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड मेसोफिल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सो इसका आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। जो फोर्थ ऑप्शन है जैसे लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विडाल टेस्ट इज यूज फॉर, विडाल टेस्ट आप सभी को पता होगा कि हम टाइफाइड फीवर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंजाइम वाले चैप्टर से है, बायोमोलिक्यूल से, एंजाइम के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनमें से आप एक बार ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिटर डिक्रीज द KM ऑफ एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ए कॉम्पिटेटिव इनिबिटर रिएक्ट रिवर्सिवली विद, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर द इनिबिटर मोलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाई एंजाइम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर बन जाता है इसमें सी। जो लास्ट स्टेटमेंट है जैसे द कॉम्पिटेटिव इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर बन जाता है इसमें थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लेजलम, जो बैक्टीरिया का फ्लेजला होता है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो फिलामेंट होता है, ये जो बेसल पार्ट होता है और जो इनिशियली बैक्टीरिया की सेल वॉल में ही होते हैं ये, तो और बाद में ये पिलाई है, पिलाई तो अलग ही ऑर्गन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, राइबोसोम जो होते हैं वो RNA और प्रोटीन्स के बने होते हैं, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड
क्लोज टू वन एंड। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें जो सेंट्रोमियर होती है एक वन एंड पे सिचुएटेड होते हैं उसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अब की बार नीट 2022 में भी आया था और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार चलो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेटासेंट्रिक होते हैं उनमें जो सेंट्रोमियर होता है बीच में होता है, और जो विंग्स होती है क्रोमोसोम की, जो आर्म्स होती हैं वो ऐसे दोनों साइड इक्वल होती है। सब मेटासेंट्रिक में ये थोड़ा सा मतलब इधर आगे शिफ्ट हो जाती है एंड, और जो एक्रोसेंट्रिक होता है एक्रोसेंट्रिक में ये नियरली एक आर्म के आसपास ही आ जाती है। जैसे ये बना दिया अपना क्रोमोसोम, अब देखेंगे तो बिल्कुल टिप पर नहीं आती, टिप से थोड़ा दूर रहती है। और टीलोसेंट्रिक जो होते हैं टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल एक टिप पे ये हमारी जो सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो इसका आंसर होता है एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशंस और वेरिएशन। डार्विन ने जो वेरिएशन के बारे में कंसेप्ट बोला था उनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर बनता है हमारा 3 नंबर, जो म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन देखो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप एक एक आपको क्रॉस चेक करना है कि किसमें पूरा जो सेट है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चेक करो ईयरपिना। ईयरपिना हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि जो ईयरपिना होता है ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे हियरिंग में हेल्प करता है, जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं उनको अच्छे से परसीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी पिना दिया गया है तो ये भी क्रॉस हो जाता है। ईयर मसल्स, पटेला बोन दी गई है, देखो पटेला तो बिल्कुल भी वेस्टिजियल नहीं हो सकती। एंड सिकम, कोलोन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा पार्ट होता है सिकम, ये भी वेस्टिजियल नहीं है। तो लास्ट हमारा जो आंसर बन जाता है वो ये बन जाता है कि पिना मसल्स, हम अपने कान्स के जो पिना को, ईयर्स के जो पिना होते हैं उनको हिला नहीं सकते। तो बॉडी हेयर्स, कैनाइन टीथ होता है, इंसाइजर के बाद कैनाइन आता है, और विजडम टीथ, ये इसका राइट आंसर बनता है क्योंकि ये सभी वेस्टिजियल्स ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग ह्यूमोइड इज कॉल्ड। जो फर्स्ट ह्यूमन के लाइक जैसे था तो उसमें से ये हमारा आंसर बनता है होमो हैबिलिस। ये जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, 2 क्वेश्चन तो बल्कि इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपने सभी ने याद करने हैं। नेक्स्ट जीन फ्लो क्या होता है? पहला ऑप्शन है जैसे ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट बट इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर है कि जो जीन फ्लो होता है वो जीन्स का ट्रांसफर होता है इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन में। नेक्स्ट इसमें अदर स्टेटमेंट अगर देखें, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम फीमेल टू मेल, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट बन गया ये इसका, सेकंड वाला गलत है। ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम आउटसाइड टू क्रोमोसोम, ये भी कोई बात नहीं बनी। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम स्पर्म टू एग, अगर इसको बोले स्पर्म से एग में जीन्स का या फिर क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, इसको तो हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो जीन फ्लो कैसे हो गया? तो जीन फ्लो इज फर्स्ट। वी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू वुमेन, इनमें से कौन सा वुमेन्स के क्लोजेस्ट है? तो इसका आंसर बनता है हमारा होमो इरेक्टस इज क्लोजेस्ट टू वुमेन क्लोजेस्ट टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पे एंजियोस्पर्म नहीं दिया हुआ, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पूछा है। एक फीमेल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, उसका जीनोटाइप दिया गया है दोनों कैपिटल टी, और जो उसका जो मेल का दिया गया है ये स्मॉल टी। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जीनोटाइप बताना है किसका, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का। सबसे पहले एक ही बात से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि जिम्नोस्पर्म का पूछा है, और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म की प्लोइडी क्या होती है? एन होती है। जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो 3N उसकी प्लोइडी होती है, बट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में हमारा जो एंडोस्पर्म की प्लोइडी होती है वो एन होती है। और इन ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि एक ही ऐसा है, पहला ये ऑप्शन जिसमें एक एंडोस्पर्म की प्लोइडी एन दी गई है। और आप क्रॉस करवाओगे मेल और फीमेल गैमिट, यहाँ से गैमिट बनेंगे
फीमेल गैमिट बनेंगे कैपिटल टी और मेल गैमिट बनेगा स्मॉल टी, और दोनों क्रॉस होंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो फर्स्ट इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सीड, सीड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये मेरे को लगता है तीनों स्टेटमेंट ही सीड के लिए करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनता है। जो एपिकोटाइल होता है वो टर्मिनेट विद प्लूम्यूल और स्टेम टिप, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। हाइपोकोटाइल रेडिकल और रूट टिप, और एम्ब्रियनल एक्सिस को हम टिगलिम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्रॉस मैच है फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, इसको कैसे मैच करेंगे। सबसे पहले इसका तो सभी को पता होता होगा कि लैक्टोबैसिलस होते हैं वो क्या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कोलेस्ट्रम ब्यूटाइलम ये ब्यूटेरिक एसिड्स बनाते हैं, और एस्परजिलस नाइजर से हम सिट्रिक एसिड बनाते हैं। ये एक पहली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था और अब भी आप देख सकते हो ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव, डैश आर प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट एक्ट एज ए कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग डाउन बॉडी कोलेस्ट्रॉल, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो इसके जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल लोअर, जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है हमारा वो स्टेटिन होता है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्लीकेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, और ये सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं आपने याद रखने हैं। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन एंटमोफिलस फ्लावर एंड पोलिनेटिंग एजेंट, जो एंटमोफिलिक्स फ्लावर, एंटमोफिलिक्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स जिना बर्ड्स में, बर्ड्स है जिनका पोलिनेशन होता है, और जो पोलिनेटिंग एजेंट है बर्ड्स और जो फ्लावर होते हैं उनमें क्या 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 एसोसिएशन यहाँ पर देखी जा सकती है। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म बिल्कुल भी नहीं होता उनमें, कमेंसिलिज्म भी नहीं होता है, क्योंकि कमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक तो बेनिफिट गेट करता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर, बर्ड का भी और फ्लावर का भी। कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं, इसका हमारा जो आंसर बनता है ये को एवोल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, एक नेशनल पार्क और एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा राइनासोर्स काजीरंगा नेशनल पार्क, ये ही करेक्टली मैच्ड है इनमें से, क्योंकि जो दुधवा नेशनल पार्क है और कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये दोनों फेमस हैं किसके लिए, टाइगर्स के लिए, और जो क्योलोडो नेशनल पार्क है वो बर्ड्स के लिए फेमस है। तो हमारा राइट आंसर इज थर्ड, राइनासोर्स के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड थ्रेटन्ड बाय, जो वर्ल्ड का हमारा क्लाइमेट है वो किसके कारण ज़्यादा चेंज हो रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेटन्ड किस चीज़ का है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो आजकल कितनी गर्मी भी हो रही है और उसके कारण भी अदर जो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है वो भी अराइज हो रही है, तो इसका हमारा आंसर होता है तो इंक्रीज एटमोस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। इसी के कारण फिर एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अदर इफेक्ट कैन बी सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वार्म ओशियन सर्ज ऑफ पीरू करंट रीअकरिंग एवरी 5 to 8 ईयर और सो ईस्ट पैसिफिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाइडली नोन एज, इसको हम फ्रेंड्स इल निनो इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटेड बाई पेंसिलिन बिकॉज इट डज नॉट है, जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक होता है हमारा वो कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और कैसे वो बैक्टीरियाज को किल करता है, बैक्टीरियाज की सेल वॉल को वो डिस्ट्रॉय करता है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा बिल्कुल स्मॉल बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो अगर सेल वॉल नहीं है माइकोप्लाज्मा के पास तो पेंसिलिन किस चीज़ पर एक्ट करेगा, तो माइकोप्लाज्मा को जो ये पेंसिलिन है हमारा एंटीबायोटिक्स है ये अफेक्ट नहीं कर सकता, तो राइट आंसर इज सेल वॉल, सेल वॉल इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जन। एलर्जन के जो अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है वो IgE टाइप की, जो एलर्जिक टाइप की एंटीबॉडीज होती है वो होती है IgE, और जो IgG होती है सबसे स्मॉल एंटीबॉडी होती है और मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। IgA के बारे में बताऊँ मैं आपको, IgA कोलेस्ट्रम के थ्रू जो मदर से इन्फेंट में जाती है, और IgG प्लेसेंटा के थ्रू भी इन्फेंट में जा सकती है। इन मोसिस द प्रीडोमिनेंट फेज कौन सा था मोसिस में इनके लाइफ साइकिल में, तो इसका हमारा आंसर बनता है थर्ड, द गैमेटोफिटिक ग्रीन प्रोटोनिमा, और जो लीफी स्टेज होती है वो यहाँ पर प्रीडोमिनेंट होती है। तो करेक्ट आंसर इज थ्री। ये बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा चारा एक एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी मोनोसियस प्लांट होता है, इसके बारे में पूछा गया है। चारा में क्या होता है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया है, जो ऊगोनियम की पोजीशन होती है वो अपर होती है, और जो एंथ्रीडियम और मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं वो लोअर साइड होता है सेम प्लांट पर, ये इसका राइट आंसर हमारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड विद रिस्पेक्ट टू मोनोसियस प्लांट, इनमें से कौन सा एक मोनोसियस प्लांट के रिस्पेक्ट में ओड है। तो यहाँ पर देखोगे जो मैक्सिमम जो प्लांट है इनमें, जैसे मेज में, कोकोनट में और कुकरबिट में, तीनों में आप देखोगे जो मेल और फीमेल पार्ट या फ्लावर होते हैं वो सेम प्लांट पर पाया जाता है, बट पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। सो आंसर इज पपाया। इनमें से मोनोसियस, ये तीनों जो क्या है मोनोसियस प्लांट हैं, पपाया इज ए डायोसियस प्लांट। नेक्स्ट वी हैव जाइगोस्पोर आर फाउंड इन, जाइगोस्पोर होते हैं किस में पाए जाते हैं, जाइगोस्पोर ये एल्गी और फंजाई में पाए जाते हैं स्पोर्स, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, जो पोलन ग्रेन पोलन को नरिश करती है, इनमें से कौन सी लेयर होती है जो पोलन को नरिश करने वाली होती है, वो टेप्टम होती है। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज वाइडली यूज, जो टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो हम वाइडली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम RNA इंटरफेरेंस, RNAi जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये भी NCERT से ही लिया गया है, तो इसका आंसर बनता है हमारा ऑल ऑफ दीज टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस एंड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स, ओके, इन्वॉल्व्स RISC RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसके ऑल ऑफ दीज सभी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इज गिवन, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी वो एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के पेशेंट को दी गई थी। नेक्स्ट बीटीकोटन एंड बीटीटोक्सिन, जो प्रोटोक्सिन होता है प्लांट्स में वो बाद में एक्टिव फॉर्म में आता है इंसेक्ट के, जो इंसेक्ट और जो हमारा इंसेक्ट होता है उसके गट में जाके, वहाँ पर पीएच किस पीएच में ये एक्टिव होता है, तो हमारा जो इंसेक्ट की गट में एक्टिव होता है ये एल्कलाइन पीएच के कारण, सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कैरिंग कैपेसिटी, द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रेस ए पॉपुलेशन अंडरगोज लिमिटेड सोर्सेज, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑलवेज अनलिमिटेड, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी वो होती है
जो मतलब कोई भी एनवायरनमेंट है, कोई भी इकोसिस्टम है, वो कितने जो उसमें ऑर्गेनिज्म है या कितनी पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर सकता है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म इज, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें सीड्स की क्या एडवांटेज है? कैन गेट डिस्पर्स टू न्यू एरिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर सीड्स जाएंगे तो वो बेटर स्टेबिलिटी गेन करेंगे। सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जनरेट न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सभी को पता ही होगा कि वेरिएशंस होती हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस, और इसका जो आंसर बनता है हमारा, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी इज ए टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट ड्यूरिंग फ्रूट फॉर्मेशन, ये जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो अदर देन ओवरी पार्ट से बनते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के लिए पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा थैलेमस पार्टिसिपेट्स, ये भी करेक्ट है, और एपोकार्पस ओवरी पार्टिसिपेट, तो इसका ए और बी आंसर इज राइट। ओवरी तो पार्टिसिपेट करती नहीं है, सी आंसर तो कैंसिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइजिन इन लैकोपेरोन, लैकोपेरोन में आइजिन इनहिबिटर और रिप्रेसर दोनों का काम करता है, सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशंस, जेनेटिकली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी सिमिलर सिमिलर इज कॉल्ड, तो इसको हम इको टाइप कहते हैं, फर्स्ट इज आंसर। नेक्स्ट, यूट्रोपिकेशंस ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज मेनली ड्यू टू, यूट्रोपिकेशन क्या होता है? जब किसी भी वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन उस एनवायरनमेंट में डिजोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम रह जाता है, इसके कारण जो अदर फिशेज होती हैं या अदर जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज राइट आंसर। तो यूट्रोपिकेशन में आपने देखा होगा एल्गल ब्लूम बनता है, बहुत सारी एल्गी जमा हो जाती है और वो ऑक्सीजन की वाटर में कमी हो जाती है, जिसके कारण जो फिशेज और अदर ऑर्गेनिज्म वो उनकी डेथ हो जाती है। इनटेक ऑफ ORS इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ, तो ORS का इनटेक किस किस सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, तो इसका सबसे पहला आंसर है हमारा वैसोप्रिन, वैसोप्रेशन, वैसोप्रेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो ऑक्सीटोक्सिन होता है उसका भी कोई ORS और इलेक्ट्रोलाइट इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेलाटोनिन का भी नहीं है, थायरोक्सिन का भी नहीं है, तो हमारा जो सबसे पहला आंसर बनता है वो वैसोप्रेशन बनता है, या जिसे हम ADH भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वाटर रिटेंशन बॉडी में करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या फिर यूरिन के थ्रू लॉस्ट होने से रोकता है, तो ये आंसर्स एक बार चेक करते हैं। कैफीन ये भी नहीं करता, ये भी मतलब एक ऐसा है, कैफीन और एल्कल दोनों डायूरेटिक में हम काउंट करते हैं। ANF ये भी एट्रान्यूट्रलिटिक फैक्टर, ये भी वाटर लॉस को बॉडी से बढ़ाता है, तो रेनिन इज़ द राइट आंसर, रेनिन हमारा जो रास वाला जो चैप्टर किडनी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो रास मैकेनिज्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन वाला, वो क्या करता है, वो बॉडी में वाटर कंजर्व करता है, सेव करता है वाटर्स को, लार्ज क्वांटिटी में वाटर को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता। ये अदर कंडीशंस हैं जैसे कैफीन है, एल्कोहल है, ये डायूरेटिक होते हैं, और ANF होता है, ANF फैक्टर जब हमारी बॉडी में हमारा BP बढ़ जाता है उस टाइम पर हार्ट में ANF फैक्टर रिलीज होता है, जो कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है और
जो मैक्सिमम जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूड बॉडी में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, उसको बॉडी से निकालने की कोशिश करती है करता है। एट विच साइट एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट टेक प्लेस। एमल्सिफिकेशन फैट का कहाँ होता है? सबसे पहला पेनक्रियाज, नाउ पेनक्रियाज में तो फूड हमारा जाता ही नहीं, पेनक्रियाज तो जो एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करता है, तो पेनक्रियाज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गाल ब्लैडर, नो। लीवर, नो। जो हमारी लीवर की गाल ब्लैडर की सिक्रीशंस होती है वो ड्यूओडेनम में ओपन करती हैं और ड्यूओडेनम में ही हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। ड्यूओडेनम एक सी शेप का हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट होता है। और एक और बात इसमें याद रखना कि जो सबमिकोजा होती है ड्यूओडेनम की, उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिली आर विदाउट टेस्ट बट। जो हमारी फिलीफोम या स्मॉलेस्ट जो पेपिली होती हैं टंग पे, वो उनमें टेस्ट बड्स नहीं होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल रेस्पायर थ्रू लंग्स। इनमें से लंग्स से रेस्पायर करने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? तो हमारा राइट आंसर बनता है फिशेज, बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि इंसेक्ट होते हैं वो लंग्स से नहीं करते हैं, जो स्पॉन्स हैं उनमें भी लंग्स नहीं होते, फिशेज एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड नहीं होते, फिशेज गिल से करती हैं, रेप्टाइल मैमल एंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। देखो जो हमारी टीवी होती है, टीवी टाइडल वॉल्यूम वो होती है जब हम नॉर्मली जो 500 ml ऑक्सीजन या हम एयर हम इनहेल करते हैं, उसके बाद एक नॉर्मल एक्सप्रेशन करते हैं। तो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर रहती है। तो इसका आंसर देखो ERV होती है जो हमारी फोर्सफुली एक्सप्रेशन में जो हम एयर निकालते हैं वो ERV होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होती है जो हमेशा हमारे लंग्स में रहती है। तो इसका पहला ही आंसर हमारा बन जाता है, क्योंकि ERV जो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद फोर्सफुली हम एक्सप्रेशन करेंगे और जो RV रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा हमारे लंग्स में रहेंगी, ये दोनों एक नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद हमारे लंग्स में रहती हैं। IRV इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं वो तो हम फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन में निकाल देते हैं। तो राइट आंसर इज ERV प्लस RV, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड ERV। कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट इन कैरोटिड एंड आर्कटिक आर्क इज वेरी मच सेंसिटिव। जो कीमोरिसेप्टर होते हैं हमारे जो कैरोटिड जो ब्रेन में हमारे ऑक्सीजन लेके जाती है आर्टरी, और अरोटा में जो आर्कटिक आर्क में जो होते हैं वो किसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? तो वो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आर्टरियल ब्लड में, उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, न कि ऑक्सीजन के लिए और लेस ऑक्सीजन के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स बाईपास आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ये जो चाइल्ड का जो हमारा इन्फेंट होता है, जो मदर के वोम में इन्फेंट होता है, उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो उस उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें और जो अडल्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी वेसल्स इसमें बाईपास करती है। बाईपास मतलब आप ये समझ लो कि जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट जब मदर के वोम में बच्चा होता है वो रेस्पिरेशन के लिए अपने लंग्स का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो कुछ भी होता है मदर के प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको मिलता है। तो अगर लंग्स उसके यूज़ नहीं हो रहे उस टाइम पर, कुछ तो ऐसा होगा जो कि डायरेक्ट जो ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में लेके जाए, और भी दो तीन अदर चेंज होते हैं, जैसे ए और सी इसका राइट आंसर है, ये फोरामेन ओवेलिस और डक्टस एरिथ्रोसस ये इसका राइट आंसर है। जो फोरामेन ओवेलिस होती है वो लंग्स को बाईपास करती है, और डक्टस एरिथ्रोसस ये हमारी इसकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है
उसको बाईपास करती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट कंटेन मेसोग्लिया सेल. मेसोग्लिया सेल होती हैं वो किडनी में पाई जाती हैं वर्टिब्रेट में. विच ऑफ द फॉलोइंग कांट क्लॉट, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्लॉट नहीं हो सकती. सीरम इज द राइट आंसर, क्योंकि सीरम कब बनता है, हमारा ब्लड जब नॉर्मल हम अगर बिना किसी एंटीकोएगुलेंट के रख देते हैं तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, जब निकबार के एनवायरनमेंट में आते ही वो क्लॉट हो जाता है, जो उसमें क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, तो क्या रह बच जाता है बाद में, सीरम. सीरम को हम फिर क्लोट नहीं कर सकते. और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली ए ब्लड. जो एक कार्डियक साइकिल होता है उसमें जो ईच वेंट्रिकल, हमारा जो वेंट्रिकल्स है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकालता है. तो अगर हम इसको सही से मैच करें और उसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है 5.5 लीटर एंड कार्डिक आउटपुट. आप बिल्कुल ए ऑप्शन देखोगे बिना स्टेटमेंट पढ़े आपको लगेगा हाँ ठीक है 5.5 लीटर कार्डिक आउटपुट बिल्कुल होता है. बट यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ड्यूरिंग ए कार्डिक, एक जो हमारा कार्डिक साइकिल है उसमें बताना है हमें. तो इसका जो आंसर होता है हमारा बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज 80 ml ऑफ ब्लड रिलीजेस फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन ईच साइकिल एंड डेट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. बी इज द राइट आंसर. अदर ऑप्शन देखोगे जैसे 5 लीटर, अब एक साइकिल में 5 लीटर तो ब्लड हमारा हुमेंस का तो पंप कर नहीं सकता, बाकी वही वेल फिश की हम क्या ही कहें, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं कहेंगे, गलत है. 70 ml कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट भी हम एक मिनट में जो पंप करता है हमारा हार्ट उसी को कहते हैं. तो ये बी इसका राइट आंसर है. ये 3-4 टर्म हैं जैसे कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, इनको याद रखना है. जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो क्या होता है कि एक मिनट में जो हमारा ईच वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं बॉडी में, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. और स्ट्रोक वॉल्यूम को हम अगर नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीट होती है 72 टाइम पर मिनट उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कार्डिक आउटपुट निकलेगा एक मिनट में, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है 72 टाइम बीट करेगा और 72 टाइम हमारा कार्डिक साइकिल रिपीट होगा जिसके कारण कार्डिक आउटपुट बनेगा. और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. बाय बाय स्टूडेंट्स.